हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू लिटरेचर लवर्स विद एकेश राजवीर। आपको क्लियर है ऑडियो एंड वीडियो? प्लीज कंफर्म कर दीजिए। बस आपको ऑडियो वीडियो करना है, बाकी ठीक है। ओके, कंफर्म कीजिएगा ऑडियो एंड वीडियो सब बढ़िया। गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम। तो सारी बच्चा पार्टी अपनी ठीक है? चलो, क्लियर होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, बाकी तो मैं शुरू कर लूंगा अपनी क्लास को। सो गाइज, आज के सेशन में हम लोग कवरअप करने वाले हैं क्या, यूजीसी नेट जेआरएफ सेट एग्जाम के लिए नॉन फिक्शनल प्रोज वाला पार्ट एमसीक्यूज के थ्रू। ठीक है, एमसीक्यूज के थ्रू नॉन फिक्शनल पार्ट वही कवरअप करेंगे कंप्लीटली, मजा आएगा, है ना। सो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, यूजीसी नेट एग्जाम, तो डेफिनेटली उनके लिए बेनिफिशियल होगा, और जो लोग सेट एग्जाम की करते हैं उनके लिए, एंड इवन फॉर दोज कैंडिडेट्स जो वाइडली स्टडी करते हैं, जैसे DSSSB है, MRS वगैरह, तो उनमें भी आपके लिए ये क्लास हेल्पफुल होगी। ठीक है, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द डिफरेंट एग्जाम एंड वॉन्ट टू ज्वाइन क्लासेस, तो आप इन नंबर पर अपना नाम और कोर्स का नाम व्हाट्सएप कर दीजिएगा। सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक आप कोई भी क्वेरी ले सकते हैं। ठीक है, ग्रेट। कोर्सेस आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के चल रहे हैं, सो यू कैन चेक ऑन लिटरेचर लवर्स ऐप। बाकी हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। ठीक है, हाँ, सारे बैचेस चल रहे हैं, जैसे यूजीसी नेट है, TGT, PGT, DSSSB, NEMRS एंड ऑल जो बैचेस रन कर रहे हैं, इफ यू विश यू कैन ज्वाइन। बाकी चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्लास को। कोई क्वेरी होगी तो आप इन पर भेज दीजिएगा नंबर्स पर। ठीक है, चलो, तो लेट्स बिगिन विद द सेशन। काफी सारे MCQs ऑलरेडी हमारे डन है, तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, वाओ, सो हेयर इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, शुरू करते हैं, आइए। ठीक है, चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम। तो ये लीजिए आपके लिए पहला वाला क्वेश्चन। इन द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, बैकन अटेम्प्टेड अ प्रीलिमिनरी सर्वे ऑफ द इंटायर फील्ड ऑफ लर्निंग बाय एनालाइजिंग द प्रिंसिपल ऑब्स्टिकल टू इट्स एडवांसमेंट। आइडेंटिटी फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग choices, the one that he did not mention as an obstacle. Please check kijiyega. There is a work, Advancement of Learning by Francis Bacon. Please. Rhetoric, Medieval Scholasticism, Inductive Method, Pseudoscience. Baki level ke questions honge, aapke exam ke level wale, theek? एग्जाम लेवल का क्वेश्चन होना चाहिए, वही सबसे बढ़िया वाली बात है। ओके, सो द राइट आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन, सो हियर इज द राइट वन आंसर। राइट आंसर देख लीजिए, इट्स सी, इंडक्टिव मैथड। ही वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट इंडक्टिव मैथड, है ना। बाय द एनालाइजिंग द प्रिंसिपल ऑब्स्टिकल टू इट्स एडवांसमेंट, आइडेंटिफाई अमंग द फॉलोइंग चॉइस द वन दैट ही डिड नॉट मेंशन एज एन ऑब्स्टिकल। सो दिस इज नॉट एन ऑब्स्टिकल। इन्होंने रेटरिक को, मिडिवल स्कॉलेस्टिसिज्म एंड सूडो साइंस को क्या कहा है, दैट दीज आर द ऑब्स्टिकल्स। ठीक है, यस। फ्रांसिस बैकन की अगर मैं बात करूं, सो फ्रांसिस बैकन इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज एंड ही रोट वंडरफुल एसेज। उनके एसेज को हम लोग बेसिकली डिस्पर्स्ड मेडिटेशन, ठीक है, ये याद रखिएगा, एग्जाम के लिए जरूरी है। Dispersed meditation उनके ऐसे इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, Dispersed meditation, और उनके स्टाइल को क्या बोला जाता है, जिसे बोलते हैं हम लोग, खैर अभी आगे आपको पता चल जाएगा, दैट इज नोन एज एफोरिस्टिक स्टाइल, है ना, एफोरिस्टिक स्टाइल या
ठीक है, चलो आगे चलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, बाकी इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। अटेम्प्टेड टू ड्रा डिस्टिंक्शन बिटवीन टू काइंड्स ऑफ ट्रुथ, अ थियोलॉजिकल ट्रुथ ड्रॉन फ्रॉम द वर्ड एंड ओरेकल्स ऑफ, ये WORLD होना चाहिए, एंड ओरेकल्स ऑफ गॉड एंड डिटरमाइंड बाई फेथ, अ साइंटिफिक ट्रुथ बेस्ड ऑन द लाइट ऑफ नेचर एंड द डिक्टेट्स ऑफ रीजन। तो किस वाले वर्क में गाइज इन्होंने ये सब किया है? ट्रीटीज ऑन द लॉज ऑफ इक्लियास्टिकल पिटी, लिटरेचर एंड पल्पिट इन मिडीवल इंग्लैंड, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, द न्यू एटलांटिस। चलिए आंसर कर दीजिए फटाफट। गुड इवनिंग एवरीवन। सो इसके लिए हमारा आंसर कौन सा वाला हो सकता है? हमारा वाला कोई ना कोई तो आंसर होगा ही। तो बेसिकली राइट आंसर है अपने लिए, द राइट वन आंसर इज थर्ड वन, इट्स एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। अगर फ्रांसिस बैकन के एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करें, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग इज द वर्क दैट केम इन द ईयर 1605। ये आपका बेसिकली जैकोबियन पीरियड है, जैकोबियन एरा इन इंग्लैंड, ये जैकोबियन एरा है, ठीक है। सो इसी टाइम पीरियड में फ्रांसिस बैकन का ये वर्क आया था, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। इवन देयर इज अ वर्क एसोसिएटेड विद फ्रांसिस बैकन, और इस वर्क का नाम है क्या? एक वर्क है गाइस जो बेसिकली यूटोपियन वर्ल्ड की बातचीत करता है, या जिसे हम लोग यूटोपियन कहते हैं, न्यू एटलांटिस, है ना। न्यू एटलांटिस इज द नेम ऑफ द वर्क, न्यू एटलांटिस, न्यू एटलांटिस इज द नेम ऑफ द वर्क, ठीक है, ग्रेट। प्रोसीड करते हैं आगे हम लोग, और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इन द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, बैकन नोटेड द नीड फॉर मोर स्टडीज ऑफ मोरल नॉलेज, फॉरबिडन नॉलेज, सिविल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज। किस नॉलेज की मोर स्टडी के बारे में बातचीत करा है फ्रांसिस बैकन ने? आज आपका पूरा का पूरा रिवीजन होगा, और एक कंप्लीट रिवीजन आपको मिल रहा है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस के थ्रू। मैंने आज ये करवाया था ना आपको, या न्यू एटलांटिस। चलो इसका आंसर कर दो फटाफट। मोरल नॉलेज, फॉरबिडन नॉलेज, सिविल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज। सो फ्रांसिस बैकन वॉज पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन वॉट गाइड्स? तो फ्रांसिस बैकन किसी चीज पर फोकस कर रहे थे, एंड दैट इज मोरल नॉलेज। पहला आंसर दिया हुआ था क्या नीचे से? मुझे लग रहा है कैंडिडेट्स ने आंसर देख लिया था। इट्स मोरल नॉलेज एंड सिविल नॉलेज, ये दो टाइप के नॉलेज की बातचीत करते हैं, मोरल एंड सिविल, टू टाइप ऑफ नॉलेज। हाँ आंसर दिख रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं है। अगर आंसर दिख रहा था, नेक्स्ट वन देखिए। फ्रांसिस बैकन्स न्यू एटलांटिस इज अबाउट यूटोपियन स्टेट कॉल्ड एसगार्ड, एवलोन, बेंथलम, बाल्टिया। किसके बारे में है? चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, आंसर आप लोग तो देख ही लेते हो। अरे जुबी जुबी, जुबी जुबी नहीं होना चाहिए था, जुबी डुबी होना चाहिए था। वो गाना है ना, जुबी जुबी, जुबी डुबी, जुबी डुबी परंपा करके कुछ ऐसे गाना। प्लीज लाइक कर दीजिएगा सेशन को, ठीक लगे अगर तो लाइक एक बार जरूर कर लीजिएगा, बाकी आपकी इच्छा है, पढ़ाना मेरा काम है, आपका जो काम है आप वो कर सकते हैं। लाइक से वैसे एक बात बताऊं, कुछ मिलता नहीं है लाइक से, बस थोड़ा ये लगता है कि लाइक थोड़ा ठीक ठाक हो गए। ओके सो द राइट आंसर इज एसगार्ड। मुझे लगता है एसगार्ड एंड ऑल, सो दीज आर द प्लेसेस, एसगार्ड वहां पर मिलता है क्या, जो थॉर वाली सीरीज है मार्वल की, जिसमें थॉर एंड ऑल, उसमें है ना एसगार्ड। द राइट आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन इज बेंसलम, बेंसलम इज द राइट आंसर। न्यू एटलांटिस बेसिकली एक ऐसा वर्क है दैट इज इनकम्प्लीट, मतलब कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट वर्क, और ये एक यूटोपियन पैटर्न का वर्क है, यूटोपियन, जैसे प्लेटो का एक वर्क है, प्लेटो का रिपब्लिक,
रिपब्लिक, दिस इज अ यूटोपियन वर्क, यूटोपिया खुद ही यूटोपियन वर्क है ना, एंड न्यू एटलांटिस, ये कुछ आपके यूटोपियन वर्क है, न्यू एटलांटिस, तो ये कुछ आपके यूटोपियन वर्क है ना। प्लेटो, यूटोपिया जो है थॉमस मोर का है, और ये जो है आपका बैकन का हो गया, बैकन, फ्रांसिस बैकन है ना। ठीक, सो दिस इज रियली अ वंडरफुल वर्क बट इनकम्प्लीट है, ये बात याद रख लीजिएगा। ठीक है, यस, साइलेंस इज द स्लीप दैट नरिशेस विजडम, फ्रांसिस बैकन का एक स्टेटमेंट इसमें आता है, साइलेंस इज द स्लीप दैट नरिशेस विजडम, एक स्टेटमेंट आता है, बहुत फेमस स्टेटमेंट है। या नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विद बैकन द एसे फॉर्म इज, व्हाट इज एसे फॉर्म विद फ्रांसिस बैकन, ये सारे एमसीक्यू फ्रांसिस बैकन पर हैं, अभी दूसरे राइटर आ जाएंगे। ठीक है, एक नॉन फिक्शन का ये क्विक रिवीजन है, सो दैट कि आपको आइडिया लग जाए द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट मे बी द पार्ट ऑफ योर अपकमिंग एग्जाम। हाँ, सो उसी टाइप की बातचीत चल रही है यहां पर। With back in the essay form is, so ये क्या है, and intimate personal confession नहीं है, witty and boldly imagistic ये भी नहीं है, बहुत realistic है, aphoristic expression of accumulated public wisdom, हाँ public wisdom और aphoristic दोनों मिल जाएगा, homely and vulgar तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, so the essays of Francis Bacon that are सब्जेक्टिव इन नेचर और ऑब्जेक्टिव इन नेचर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किस तरह के हैं, या कह दूं मैं कि पर्सनल नेचर के हैं या फिर इम्पर्सनल नेचर के हैं, किस नेचर के इनके एसेज हैं, प्लीज लेट मी नो ऑन द कमेंट बॉक्स, किस नेचर के हैं, यस आंसर कर दीजिएगा प्लीज। किस नेचर के हैं, एफोरिस्टिक तो पता चल ही गया होगा आपको, इसका आंसर कर दीजिए, मैं आगे चलूंगा नेक्स्ट वन पे, है ना। एफोरिस्टिक स्टाइल का मतलब क्या होता है, सो एफोरिस्टिक स्टाइल मींस अ कंपैक्ट कंडेंस्ड एंड इपिग्रामेटिक स्टाइल, तो अगर एग्जाम में आपके कंपैक्ट कंडेंस्ड और इपिग्रामेटिक स्टाइल अगर पूछ ले तो भी वही स्टाइल है, एफोरिस्टिक स्टाइल या फिर इपिग्रामेटिक स्टाइल आप इसे कह सकते हैं, जहां लैंग्वेज में बहुत सारा बहुत कुछ हो, है ना। यस करेक्ट, इंपर्सनल नेचर के हैं बिल्कुल, ठीक है, इंपर्सनल नेचर, पर्सनल नेचर वहां पर होता है, जैसे आपके चार्ल्स लैम, ही रोट एसेज विद पर्सनल नेचर, मतलब उनमें आपको ह्यूमर एंड पैथोस का ब्लेंड मिलेगा इन लैम एसेज, बट यहां पर आपको जो मिलेगा दैट इज ऑब्जेक्टिव क्वालिटी। हु ऑफ द फॉलोइंग नोन फॉर एफोरिस्टिक प्रोज स्टाइल, तो देखिए ये एफोरिस्टिक प्रोज स्टाइल के लिए कौन जाना जाता है, वन मिनट, हाँ, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर द एफोरिस्टिक स्टाइल, तो देखिए इन्हीं का स्टाइल एफोरिस्टिक है, फ्रांसिस बैकन, इसके लिए मैं आपको आंसर करने के लिए नहीं कहूंगा, बैकन इज फेमस फॉर एफोरिस्टिक स्टाइल, है ना, यही वही कंडेंस्ड लैंग्वेज, और यू कैन से द लैंग्वेज पैक्ड विद मीनिंग, बहुत सारी उसमें मीनिंग निकल कर आती है, लार्जर कॉन्सेप्ट नजर आते हैं आपके। ठीक है, यस, नेक्स्ट वन, सो हियर इज द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, एफोरिस्टिक स्टाइल के बाद, विद बैक इन एसे फॉर्म इज, ये तो मैंने पूछ लिया ना आपसे, ओहो ये वही क्वेश्चन, हाँ आप ठीक है, ऑल राइजिंग टू ग्रेट प्लेस इज बाई सटायर फ्रांसिस बैकन, All rising to great place, then blank space, stay Francis Bacon. Murky, winding, crooked or sinister. देखिए ज्यादातर essays के नाम अगर आप देखें तो most of the essays by Francis Bacon, उनके title कैसे थे, He must be appreciated by T.S. Eliot. Is it? कीर्ति doesn't mean कि अगर किसी ने impersonal nature में लिखा है तो वो theory of impersonality, क्योंकि आपका indication है that he might be you know writing in impersonal nature, तो मतलब theory of impersonality को follow करते हैं, actually that is personal and impersonal is not the part of theory of impersonality, है ना,
दैट इज द एक्चुअली इंडल्जेंस को लेकर के. लेकिन अब टीएस एलियट ने क्या कहा इनके रिगार्डिंग, वो बहुत ज्यादा लेवल का तो नहीं मुझे पता है, बट जितना पता है कि टीएस एलियट ने शायद इनके बारे में कुछ कहा नहीं वैसे. सो द राइट आंसर इज बी, इट्स विंडिंग, इन विंडिंग पैटर्न. प्लेस इज अ विंडिंग स्टेयर. क्या है विंडिंग? ऑल राइजिंग टू ग्रेट प्लेस इज बाय अ विंडिंग स्टेयर. फ्रांसिस बैकन बेसिकली ने इसे लिखा हुआ है. ठीक है, विंडिंग स्टेयर इज द राइट वन आंसर. ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छे से वेल कंस्ट्रक्टेड नहीं है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसे डिड चार्ल्स लैम फर्स्ट यूज द सूडोनेम और परसोना एलिया? माई फर्स्ट प्ले, टू रेसेस ऑफ मैन, न्यू ईयर्स ईव, साउथ सी हाउस. किस ईयर में उन्होंने, सॉरी, किस वॉक में बेसिकली इन्होंने पहली बार अपने सूडोनेम और परसोना एलिया को यूज किया है? सूडोनेम और परसोना, यू कैन से एलिया को यूज किया है. ठीक है, यस. सो नाउ वी कैन सी माई फर्स्ट प्ले, द टू रेसेस ऑफ मैन, द न्यू ईयर्स ईव, साउथ सी हाउस. सो गाइज, साउथ सी हाउस इज द वर्क जहां पर इन्होंने पहली बार एलिया, और यू कैन से ही यूज्ड हिज सूडोनेम. सूडोनेम का मतलब तो आप सब जानते हो, फेक, है ना? सूडो और फेक, इसे आप कह सकते हो आराम से. ठीक है, यस. सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसे डिड चार्ल्स लैम फर्स्ट यूज? बाकी देखिए कई सारी चीजें हैं, जैसे अपनी इन्होंने सिस्टर को डिपिक्ट करा है, सिस्टर को, फादर को डिपिक्ट करा है, तो उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन हो सकते हैं. ह्यूमर प्लस पैथोस, दैट कैन बी सीन इन बैकन्स एसे. बैकन के एसे पर्सनल नेचर के हैं, ठीक है, पर्सनल नेचर, वो आपको देखने को मिल जाएगा. सिस्टर एंड फादर को किस नाम से इन्होंने डिपिक्ट करा? तो सिस्टर को इन्होंने कजिन ब्रिडगेट, बी आर आई डी, कजिन ब्रिडगेट के नाम से, और फादर को एल ओ वी ई डबल एल, लॉवेल के नाम से इन्होंने डिपिक्ट करा है फादर को अपने. ठीक है, यस. थैंक यू विष्णु, थैंक यू, थैंक यू फॉर द फीडबैक. जो भी देखिए लिखना हो मेरे रिगार्डिंग, अच्छा बुरा, है ना, वो आप मेरी क्लास एंड होने के बाद जस्ट आप लिख सकते हो. कहां पर वो लिख सकते हो आप लोग? कमेंट बॉक्स में, सो दैट आई कैन ऑल्सो शेयर विद अदर लर्नर. अच्छा लगेगा मुझे भी शेयर करके, है ना, फीडबैक आप शेयर कर सकते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसे डिड चार्ल्स लैम फर्स्ट यूज द सूडोनेम? तो ये देखिए साउथ सी हाउस है, 1823 के टाइम पीरियड में आया था. देखिए कई सारी हम लोग डेट्स याद रखते हैं, है ना, जैसे 1623 याद रखते हैं, ऑन द सेम वे 1823 भी याद रखते हैं. तो व्हाई वी हैव इन माइंड 1623? तो 1623 माइंड में हम इसलिए रखते हैं शेक्सपियर के रिगार्डिंग, है ना, फर्स्ट फोलियो बाय विलियम शेक्सपियर, है ना, और ये 1823 साउथ सी हाउस, है ना, क्योंकि दो इनके बेसिकली, है ना, यस, दो हमें क्या देखने को मिल जाते हैं, जो आपके लैम है, सो लैम के भी टू टाइम्स एसेस पब्लिश्ड हुए थे, एक बार 1623 में, एक बार, सॉरी 1823 में, और एक बार 1833 में, है ना. तो ये भी आप थोड़ा सा अपने माइंड में रख सकते हो, बेनिफिशियल रहेगा, कनेक्टिविटी बनी रहेगी. ओके, यस. साउथ सी हाउस गाइज वो था जो पार्ट था एक्चुअली में ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, तो साउथ सी हाउस वहां से ऑपरेट करता था. ये कुछ ऐसा ही पैटर्न. So here is the next one question for you. ये देखिए ये वाला, the praise of chimney sweeper. तो ये देखिए एक basically ऐसे है जिसे तो लैम्ब ने लिखा है और साथ में किसी और ने लिखा, a poem by William Blake and essay by Lamb, an elegy by William Wordsworth and essay by Charles Lamb and essay by William Hazlitt. पहला वाला आंसर सही है, a poem by Blake and essay by Lamb. ठीक है, yes. चिमनी स्वीपर, प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर, है ना, या प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर. ठीक है, अ पोएम बाय विलियम ब्लेक, एन एसे बाय चार्ल्स लैम्ब. अच्छा, अब मैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपको आपके लिए दे दूं. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, बाकी इसमें देखिए डिटेल लिखा हुआ है, व्हाट इज देयर इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर, सो दैट कैन बी सीन. यहां पर देख लीजिएगा प्लीज, ये है ना, यस. Next one.
सो हियर इज द नेक्स्ट वन क्वेश्चन. सर थॉमस ब्राउनसिस अर्न बरियल वॉज प्रॉम्प्टेड बाई. सर थॉमस ब्राउनसिस अर्न बरियल वॉज प्रॉम्प्टेड बाई. सो देर इज अ वर्क थॉमस ब्राउन ने लिखा है. अर्न बरियल इज द नेम ऑफ द वर्क. नाउ फाइंड आउट कीजिएगा. एग्जाम आने दीजिए दीप्ति. जब एग्जाम आ जाएगा तो यूपी टीजीटी पीजीटी का मॉक टेस्ट आएगा. ठीक है. द डिस्कवरी ऑफ एंशियंट बरियल अर्न्स नियर नॉर्विक. द कंटेम्प्रेरी रिसर्चर्स ऑन बरियल राइट्स इन नॉर्वे. द डेथ ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी एंड हिज बरियल एंड द पब्लिकेशन ऑफ इंग्लिश बुक ऑफ कॉमन प्रेयर. बुक ऑफ कॉमन प्रेयर के रिगार्डिंग भी आपके क्वेश्चन आ चुके हैं. ठीक है. राइट आंसर इसके लिए क्या फाइंड आउट किया आपने. चलो राइट वन आंसर. थॉमस ब्राउनसिस अर्न बरियल वॉज प्रॉम्प्टेड बाई. सो थॉमस ब्राउनसिस अर्न बरियल दैट वॉज प्रॉम्प्टेड बाई वॉट. डिस्कवरी ऑफ एंशियंट बरियल अर्न्स नियर नॉर्वे. देखिए एक तो ये याद रखना है कि ये किसका वर्क है. फर्स्ट पॉइंट है. सेकेंड पॉइंट तो आपका ये हो गया एग्जाम के लिए. थर्ड वन पॉइंट बेसिकली पब्लिश्ड इन द ईयर 1658. क्रोनोलॉजी के लिए बहुत जरूरी. एंड मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को, जो भी कैंडिडेट्स पढ़ते हैं यूजीसी नेट वाले, उनको मैंने क्रोनोलॉजी के रिगार्डिंग बताया था. एक तो मैंने वर्क बताया था 1621 में आया था. फिर देन 1644 और ये हो गया आपका 1658. ये कुछ क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है. 21 में कौन सा वर्क आया था, तो ये है अर्न बरियल. वो आया था हाइड्रोटैफिया. 1644 में एक वर्क आया था एरोपेजिटिका, है ना. और 1658 ये क्रोनोलॉजी पूछा जाता है, तो क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग माइंड में रख लीजिएगा, है ना. क्लियर हो रहा है सबको. एनाटमी 1621 एनाटमी है. प्लीज माफ कर दीजिएगा, गड़बड़ हो गया मामला, मैंने गलत बता दिया कुछ. एनाटमी ऑफ मेलंकली ही है 1621. प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा. एनाटमी ऑफ मेलंकली, ठीक है. रॉबर्ट बर्टन वाला, वो मैंने गड़बड़ कर दिया. 1644 एरोपेजिटिका है. फिर ये तो ठीक है, ये तो मुझे पता है. 1658 तो ये तो सामने. और अभी एक वर्क और मैंने जो बताया ना, कौन सा वाला हम लोग बातचीत कर रहे थे, हाइड्रोटैफिया या अर्न बरियल, इसी का नाम है, है ना. एनाटमी ऑफ मेलंकली ये वर्क. द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर ओनली रिटन बाई चार्ल्स लैम. मोहम्मद, प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर इज द एसे एंड प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर इज अ पोयम एज वेल. ठीक है. तो प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर पोयम बाई विलियम ब्लेक एंड एसे बाई चार्ल्स लैम. ठीक है, बात समझ रहे हो. पोयम उसी टाइटल की लिखा था किसने. सो पोयम बाई, बात मेरी समझ रहे हो. पोयम, तो पोयम किसकी है. पोयम बाई ब्लेक, ठीक है, एंड एसे बाई लैम. बस मे बी आपने सर्च करा हो, आपको मिला ना हो, बट मैं बिल्कुल इसके बारे में श्योर हूं. ठीक है. यस, चलो आगे चलते हैं हम लोग. ये वाला क्वेश्चन देखिएगा प्लीज. चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस. देखिए क्रोनोलॉजी इसमें पूछी गई है. ड्रामेटिक पोएजी, एरोपेजिटिका, अर्न बरियल एंड रिलीजियो मेडिसी. अच्छा ये वाला वर्क है, भूल रहा था मैं. रिलीजियो मेडिसी, रिलीजियो मेडिसी है, मैं भूल रहा था. ठीक है, कोई नहीं. नाउ फाइंड आउट कीजिएगा राइट आंसर. चलिए राइट आंसर कीजिए प्लीज, हरी अप करके. अब मैं आपको एक अच्छी क्रोनोलॉजी सिखा दूंगा. ठीक है. सो राइट वन आंसर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ने ए दे दिया है. चलो आइए देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है.
द राइट वन आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन इज थर्ड वन, रिलीजियो मेडिसी। तो रिलीजियो मेडिसी कब आया था? 1643 में, ठीक है। रिलीजियो मेडिसी 1643। देन एरोपेजिटिका कब आया? 1644। देन अर्न बरियल है हमारे पास, अर्न बरियल कब आया? 1658। इसके बाद है एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी, सो 1668। अब इसमें से बचा क्या है? तो 1621 बचा हुआ है, 1621, एनाटॉमी ऑफ मेलंकली, एनाटॉमी ऑफ मेलंकली बाई रॉबर्ट बर्टन। अब अगर इतनी डेट आपको याद रही, एग्जाम में चले जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई एम टेलिंग यू बच्चा पार्टी, ठीक, आई एम टेलिंग यू 100%। इतनी सारी डेट्स आपको ये क्रोनोलॉजी के लिए पता चल गई है, ये बहुत, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है। 1621, 1643, 1644, 1658 एंड 1668। ओके, और मैं क्लियर कर दूं, ये 43 आपका क्या है? तो 43 देखिए, ये है आपका रिलीजियो मेडिसी। रिलीजियो लिख लीजिएगा कहीं पर, ये बहुत काम आने वाला है आपके लिए, ठीक है। रिलीजियो मेडिसी का क्या मतलब है ये भी पूछता है। जैसे एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी, ड्रामेटिक पोएजी ये ड्राइडन ने लिखा है ना, तो ड्राइडन का ये लास्ट वाला है, ड्रामेटिक पोएजी वाला, ड्रामेटिक एंड पोएजी, ठीक है। रिलीजियो मेडिसी 1643, और इसके बाद 1644 में एरोपेजिटिका, AERO PAGITICA, एरोपेजिटिका। और 58 वाला क्या हो गया आपका? सो 58 वाला है अर्न बरियल, अर्न बरियल। इतना याद रख लिया तो समझ लीजिए आपका एग्जाम एक क्वेश्चन तो पक्का है, ठीक है। वन क्वेश्चन 100% आपका लगभग श्योर हो जाएगा, बस इतना आपको याद होना चाहिए। थोड़ा मेरी राइटिंग पर मत जाइएगा, है ना। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि राजवीर सर की राइटिंग डॉक्टर वाली राइटिंग है, तो ठीक है, मेरी राइटिंग छोड़िए, मेरी मुंह से बातें सुन लिया करिए, फिर लिख लिया करिए, है ना। ओके, आप मुझे कम लग रहे हैं कि मतलब तैयार कम लग रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर किसी को लेना हो, ठीक है। मैं साइड में हूं, फिर इसके बाद मैं आ जाऊंगा बीच में, तो फिर आपको दिक्कत होगी। चलो आओ, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन। अब देखिएगा, ये बहुत काम आने वाला है। रॉबर्ट बर्टन का कौन सा वर्क है? रिचर्ड हुकर, थॉमस ब्राउन, थॉमस नैश। रॉबर्ट बर्टन, रिचर्ड हुकर, थॉमस ब्राउन, थॉमस नैश। ग्रेट प्रियंका, आपने ले लिया? नहीं सर, राइटिंग अच्छी है आपकी, ठीक है, जैसे भी है चल रही, नॉट वरीड रिगार्डिंग राइटिंग एवलॉन। रॉबर्ट बर्टन का गाइस हो गया एनाटॉमी ऑफ मेलंकली। हम ए को 3 से मैच कर लेते हैं, देखते हैं ए 3 कहां पर है। तो थोड़ा सा इसको ऐसे करिए, ए 3, तो ए 3 देखिए, एक ऑप्शन ये है और दूसरा ऑप्शन ये है, ओके। देन हमें और कौन सा आता है? थॉमस ब्राउन का अर्न बरियल मुझे पता है, सी फर्स्ट, तो सी को फर्स्ट से मैच कर लीजिए। देखिए ये सी वाला है, फर्स्ट से मैच करेंगे, ये वाला थर्ड ऑप्शन सही है आपका, है ना। थर्ड वन ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड वन ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बाकी आपके रिमेनिंग टू मैच कर लीजिए, बी को 4 से मैच कीजिए, रिचर्ड हुकर ऑफ द लॉज ऑफ इक्लियास्टिकल पॉलिटी। मतलब ये नाम याद रख लीजिए, रिचर्ड हुकर इज द राइटर ऑफ द लॉज ऑफ इक्लियास्टिकल पॉलिटी, एग्जाम में रिपीट हो सकता है। थॉमस नैश, इनका तो सब कोई जानता है, अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। डी को 2nd से मैच कर लीजिए, डी 2nd आपके इस ऑप्शन में देखिए, ठीक है। हेलो रवि, हाय, कैसे, क्या हाल चाल है, सब बढ़िया? आनंद में तो आप ही लोग हैं, बाकी तो सब ऐसे ही है, जो भी है सब चल रहा है, है ना। आनंद में तो आप ही हैं, ओके। तो द
नेक्स्ट वन क्वेश्चन फॉर यू, ये देखिए, अरेंज द फॉलोइंग बुक्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर्ड। अब देखिए फिर से आपको ऑर्डर देखना है। अभी लॉज ऑफ इक्लियास्टिकल पॉलिटी अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखा दें आपको। खैर पहले आप कर लीजिए, फिर मैं आपको लॉज ऑफ इक्लियास्टिकल पॉलिटी दिखा दूंगा। रोली नंबर चल रहा है ना नीचे, उस पर मैसेज कर लीजिए, अपना नाम कोर्स का नाम भेज दीजिए और बाकी इस बात के लिए बेफिक्र रहिए, मेरे टीम मेंबर आपको नहीं करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। मैं उतने ही कोर्सेस देता हूं जो जरूरतमंद हो, मतलब जिन बच्चों को चाहिए है। ऐसा नहीं कि फोन कर करके भैया मेरा कोर्स ले लो, भैया मेरा कोर्स ले लो, नेवर। ठीक है, रोली आप बेफिक्र होकर के जो नंबर चल रहे हैं ना, जस्ट आप यहां पर देख सकते हैं, डायरेक्टली लिटरेचर लवर्स ऐप पर चले जाओ, वहां पर आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, जो भी मन करे परचेज कर लीजिए। 100% सेटिस्फाइड हो तभी कीजिए, वरना बैक आने का ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ अच्छा, आपके लिए दिवाली में तो अभी ऑफर भी लाना होगा, खैर दिवाली में लेकर आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग बुक्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर्ड। तो देखिए लेवियाथन कब आया था, 1651 के टाइम पीरियड में, लेटेस्ट एग्जाम में आपके क्वेश्चन आया था। लेवियाथन किसका है, HOBBES हॉब्स का है, थॉमस हॉब्स का लेवियाथन है, ऑफ लॉक्स में है ना। अ क्रिटिक ऑफ प्यूरिटन एंड देयर अटैक्स टू द चर्च ऑफ इंग्लैंड एंड बुक ऑफ कॉमन प्रेयर, है ना, इन 1591। और किसका वर्क है, यहां पर लिखा होगा लॉज ऑफ इक्लियास्टिकल पॉलिटी, ये देखिए रिचार्ड हुकर का वर्क है। देखिए क्या होता है, एक वर्क से दूसरे वर्क के क्वेश्चंस बनाए जाते सेम टाइम के पैटर्न में। ठीक है, सेम टाइम के पैटर्न में क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज करा जाता है, फिर वो बन जाते हैं क्वेश्चन ना सी। तो अब देखिए आपको एक क्लियर है लॉज ऑफ इक्लियास्टिकल पॉलिटी। लिमोटे डी अर्थर, लिमोटे डी अर्थर का मतलब है दी मोटे डी अर्थर, दी डेथ ऑफ दी अर्थर, दी डेथ ऑफ दी अर्थर, है ना। ये बेसिकली किंग अर्थर और उनके राउंड टेबल नाइट्स थे, उनके ऊपर थॉमस मैलोरी ने लिखा था। किसने, थॉमस मैलोरी ने, थॉमस मैलोरी नाम के एक राइटर थे। और ये जो टाइटल है ये फ्रेंच टाइटल लिखा हुआ है, लिमोटे डी अर्थर, ये फ्रेंच टाइटल है। और यूटोपिया के बारे में तो जानते हो, 1516 थॉमस मोर, ठीक है, थॉमस मोर। अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा हो कुछ और आप में से किसी के वश की बात हो तो जरूर आंसर कर दिया करिए, है ना, सो दैट कि मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े। ठीक है बच्चा पार्टी, आज बड़े दिनों बाद मैंने बच्चा पार्टी कहा, चलो एक बार लाइक कर दो, 100 लाइक्स हो गए रे, वाह क्या बात है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक प्रपोजेस अ पॉलिटिकल थियरी, कौन सी बुक है। सो वैसे ये जो प्रिंसिपिया लिखा है, प्रिंसिपिया मैथमेटिका, प्रिंसिपिया मैथमेटिका कर दूं बहुत अच्छा लगेगा। लेवियाथन, एनाटॉमी ऑफ मेलंकली, लिबर्टी ऑफ प्रोफेसिंग, द डेथ ऑफ दी अर्थर, और आप कह दीजिए मोटे डी अर्थर, थॉमस मैलोरी का वर्क है, थॉमस मैलोरी, ये मैंने लिखा था ना पिछले वाले में, थॉमस MALORY, ठीक है, ये डेथ ऑफ दी अर्थर। ओके चलिए अब आगे चले, बढ़ जाएं हम लोग थोड़ा सा आगे। अरे नहीं, होती है लगभग डेली ही होती है, बीच में फिर से मैं कुछ गड़बड़ हो गया था मामला, तो फिर मैं इधर उधर चला गया था, है ना। ठीक, ओके, सो देखिए प्रिंसिपिया मैथमेटिकल लेवियाथन, एनाटॉमी ऑफ मेलंकली, एंड द राइट वन आंसर इसके लिए कौन सा होगा, द राइट वन आंसर इज लेवियाथन, है ना, लेवियाथन बाय थॉमस हॉब्स, लेवियाथन बाय थॉमस हॉब्स, दैट इज टॉकिंग अबाउट काइंड ऑफ पॉलिटिकल थियरी। और इसमें आपको एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी, द वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, इस कॉन्सेप्ट पर बातचीत करी गई है, थॉमस हॉब्स का वर्क है ये। एनाटॉमी ऑफ मेलंकली के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया था, है ना, यस, एनाटॉमी ऑफ मेलंकली के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। ठीक है, ग्रेट,
पीछे बताया है, अगर आपने ना देखा हो तो प्लीज देख लीजिएगा। और इस बुक में लेवियाथन में कॉन्सेप्ट है अब्सोल्यूट सॉवरेन का, ठीक है, अब्सोल्यूट सॉवरेन। एंड ये जो वर्क है ना, बेसिकली जो आप देख रहे हो, तो ये वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वन, मैच द फॉलोइंग टेक्स्ट विद देयर रेस्पेक्टिव थीम्स। तो ये देखिए, एरोपेजिटिका, मिल्टन, लेवियाथन बाय थॉमस हॉब्स, अभी अभी बताया, एलेक्जेंडर फीस्ट, ये ड्राइडन का है, द वे ऑफ द वर्ल्ड, ये विलियम कॉन्ग्रीव का है, मैचिंग कर लेनी है आपको बस, ठीक है। यस, सो मैच द फॉलोइंग टेक्स्ट विद देयर रेस्पेक्टिव थीम्स। तो रेस्पेक्टिव थीम्स से हमें मैच करना है। एरोपेजिटिका में क्या बातचीत करी गई है याद कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, लिबर्टी फॉर अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच पर बातचीत करी गई। लेवियाथन इज द वर्क बाय थॉमस हॉब्स एंड दैट इज टॉकिंग अबाउट अब्सोल्यूट सॉवरेनिटी। पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था अब्सोल्यूट सॉवरेनिटी। एलेक्जेंडर फीस्ट बाय जॉन ड्राइडन दैट इज टॉकिंग ऑल अबाउट यू नो द पावर ऑफ म्यूजिक एंड विलियम कॉन्ग्रीव All about fashion, courtship and seduction. ये the way of the world बहुत important work है, comedy of manners की category वाला बहुत ही ज्यादा important work है, ठीक है, the most important work. Okay, great. आइए आगे चलते हैं हम, clear है सबको, बाकी कोई भी option हो आप check कर लीजिएगा, जो भी option आपको सही लगा हो उसी को right answer कर लीजिएगा। So, और हाँ, ये थोड़ा सा ये भी देख लीजिए कौन सा वर्क कब आया था। एरोपेजिटिका 1644 में है, लेवियाथन 1651, एलेक्जेंडर फीस्ट 1697 एंड द वे ऑफ द वर्ल्ड 1700। ओके, 1700, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, मैच द राइटर विद द वर्क। तो देखिए, जॉर्ज पुटनहैम, जॉर्ज थॉमस स्पार्ट, लेविस बैली एंड थॉमस हॉब्स। देखिए, हॉब्स फिर से आ गए आपके, और हॉब्स से अगर आप चाहें डायरेक्टली मैच कर लीजिए। नाउ आई एम गोइंग टू मैच, आप भी अपना मैचिंग शुरू कर लीजिए, मैं भी कर देता हूं। देखिए, थॉमस हॉब्स का है लेवियाथन, है ना, तो लेवियाथन से हमने मैच करा, डी को हमें मैच करना होगा फर्स्ट से, डी को फर्स्ट से मैच कर लीजिए। देखिए, एक दो तीन ऑप्शन में है, थोड़ा सा कम बात बन पाई अपनी, है ना। यस, लेकिन हमने अभी थोड़ी देर पहले लेविस बैली के एक वर्क को देखा था, अगर आपको याद हो, लेविस बैली देखा था आपने, हाँ याद होगा, बेसिकली हम लोगों ने देखा था लेविस बैली के एक वर्क को। और लेविस बैली का जो वर्क है वो कौन सा वाला है, लेविस बैली का जो वर्क है दैट इज द प्रैक्टिस ऑफ पाइटी, याद आ रहा है आपको, थॉमस हॉब्स लेवियाथन एंड देन जॉर्ज पुटनहैम का, जॉर्ज पुटनहैम का कौन सा वर्क है, यह है द आर्ट ऑफ इंग्लिश पोएजी एंड थॉमस स्पार्ट का है हिस्ट्री ऑफ द रॉयल सोसाइटी। ये सारे आप याद रख सकते हो, इलिमिनेट कर लीजिए, आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। देखो, कई बार आपके लिए ऐसे क्वेश्चन होंगे विद देम वी आर क्वाइट फैमिलियर, एंड कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके लिए हम बिल्कुल फैमिलियर नहीं होंगे। सो इलिमिनेशन आप ट्राई कर लीजिए, या फिर आप देख लीजिए कौन सा सही है, नहीं समझ में आता तो फिर आपके लिए समझ ही रहे हो ना, बस सिलेक्ट तो करना ही है आंसर को, वैसा हो जाएगा। इन थॉमस हॉब्स ग्रैंड मेटाफर इन लेवियाथन अ कॉमनवेल्थ इज लाइक, इसके बारे में तो कई बार बातचीत हो चुकी है, प्लीज आप आंसर बस कर दीजिए फटाफट। हरी अप ऑल द कैंडिडेट्स, किसकी किसकी यूजीसी नेट की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है लेकिन देना है, किसकी किसकी यूजीसी नेट की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है लेकिन देना है भाई, देना है। गुड इवनिंग सर एंड सॉरी फॉर वेरी लेट, त्रिशा सिंह, काहे के लिए लेट हो गई आप देवी जी, कुछ काम में लग गई थी क्या। चलिए फिर आंसर हो जाए फटाफट, द आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन, वैसे सब लोग जानते हैं इसका आंसर, द आंसर इज, कंपैरिजन किया गया है
थॉमस हॉब्स ग्रैंड मेटाफर इन लेवियाथन अ कॉमनवेल्थ इज लाइक व्हाट गाइड? सो कॉमनवेल्थ आर्टिफिशियल पर्सन हुज बॉडी इज मेड अप ऑफ ऑल बॉडीज ऑफ इट्स सिटीजन्स, है ना, ऑल बॉडीज ऑफ इट्स सिटीजन्स. आंसर ये होगा मैन इम्ब्यूड विद स्ट्रेंथ ऑफ मैनी मैन, है ना. यस, जून के लिए जल्दी शुरू कर देते हैं, परेशान ना होइए, ठीक है. बट सर समझ ही नहीं आ रहा है. अच्छा, ऐसा नहीं है, समझ में तो आ रहा है. मेरा कोर्स चल रहा है आपके लिए, क्रैश कोर्स लिटरेचर लवर्स ऐप पर, वो ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है ना, चलो आओ देखिए ये वाला. हु अमंग द फॉलोइंग कॉशन अगेंस्ट द डेंजर्स ऑफ पॉपुलर लिबर्टी? मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, एडमंड ब्रूक, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक. इनमें से सारे नाम ये भी नॉन फिक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हम गाइज आज यूनिट नंबर 4 नॉन फिक्शन को कवर अप कर रहे हैं ना, टाइटल तो देख ही लिया होगा ना. सो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का तो वर्क आप जानते ही होंगे, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का विंडिकेशन टू द राइट्स ऑफ वुमेन. एडमंड ब्रूक का कौन सा वर्क है? एडमंड ब्रूक का गाइज रेवोल्यूशन इन फ्रांस करके एक वर्क है, और एक और वर्क है इनका दैट इज सबलाइम करके, है ना. एंड थॉमस हॉब्स का लेवियाथन है, जॉन लॉक का है एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग. नाउ लुक एट द आंसर प्लीज. तो आंसर पर देखिएगा, आंसर है इसके लिए बेसिकली थॉमस हॉब्स. ही वॉर्न्ड अगेंस्ट व्हाट? सो थॉमस हॉब्स वॉर्न्ड अगेंस्ट डेंजर्स क्लेम्स फॉर लिबर्टी एंड द अक्यूज्ड दोज हु ले क्लेम टू लिबर्टी ऑफ डिसकंटेंटली ड्राइविंग दैट. देखिए एक बात तो आपके लिए बहुत क्लियर है ना. यस एक बात तो बहुत आपके लिए क्लियर होती है. देखिए लिबर्टी जरूरी है, लिबर्टी जरूरी है, लेकिन लिबर्टी उतने भी लेवल की जरूरी नहीं होती. मतलब अगर बहुत ज्यादा लिबर्टी होती, बोले तो टोटल लिबर्टी, जब टोटल लिबर्टी होगी तो फिर भी लोग अच्छे नहीं होंगे, है ना. वही बोलने लगेंगे, अरे मेरी लिबर्टी में कुछ भी करूं, है ना, मेरी लिबर्टी में कुछ भी करूं, ऐसा लोग कहने लगते. नहीं कहते, डेफिनेटली कहते. सो लिबर्टी इज इंपॉर्टेंट. बट देखिए ये क्या कहा है, डेंजर्स, देर आर डेंजर्स विद लिबर्टी एज वेल, है ना. नेक्स्ट वन देख लीजिएगा. हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल? इनमें से कोई है क्या जो बाइबल का ट्रांसलेशन जिसने ना किया हो? तो माइल्स कावर्डेल, विलियम टिंडेल, जॉन वायक्लिफ, थॉमस ब्राउन. द सबलाइम एंड ब्यूटीफुल, यस एडमंड का है बिल्कुल. ओके, सो द राइट वन आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन इज थॉमस ब्राउन. थॉमस ब्राउन अर्न बरियल उससे एसोसिएटेड है. इनकी भी, इनका भी, इनका भी, ये बाइबल के ट्रांसलेशन के साथ एसोसिएटेड है ना. हाँ, बट डी ऑप्शन, थॉमस ब्राउन इज नॉट एसोसिएटेड विद. कावर्डल बाइबल कंपाइल्ड बाई माइल्स कावर्डल इन द ईयर 1535, याद रख लीजिएगा. विलियम टिंडेल, तो विलियम टिंडेल ने भी बाइबल का ट्रांसलेशन करा था. जॉन वायक्लिफ, सो ही ऑल्सो ट्रांसलेटेड बाइबल, है ना, लेकिन इनका नाम कहीं नहीं आपको देखने को मिलेगा, है ना. यस, तो राइट आंसर आपको मिल गया है. नेक्स्ट वन देखिए. हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिश राइटर अपोज द लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1643? ये तो बहुत ईजी, 1643 के लाइसेंसिंग एक्ट को किसने अपोज करा? आंसर प्लीज. मिल्टन, थॉमस ब्राउन, एंड्रयू मार्वेल एंड अब्राहम कावली. ओके,
देखिए राइट आंसर इसमें से क्या है, राइट आंसर आपके लिए है जॉन मिल्टन। मिल्टन ने ही ऐसा करा था, है ना। 1643 में लाइसेंसिंग एक्ट आया एंड इन द ईयर 1644 ही रोट हिज वर्क एरोपैजिटिका एंड ही वॉज टॉकिंग अबाउट द फ्रीडम ऑफ प्रिंटिंग, है ना। प्रिंटिंग प्रेस की फ्रीडम के बारे में डायरेक्टली बातचीत कर रहे थे। द मोस्ट ऑबियस फीचर ऑफ जॉनसन्स द लाइफ्स ऑफ द पोएट्स इज द इक्विपोइस बिटवीन लैंग्वेज एंड फॉर्म, स्टाइल एंड कंटेंट, बायोग्राफी एंड क्रिटिसिज्म, मिथ एंड आर्किटाइप। राइट आंसर प्लीज। द मोस्ट ऑबियस फीचर ऑफ जॉनसन्स द लाइफ्स ऑफ द पोएट्स इज, तो बेसिकली लाइफ्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट्स और द लाइफ्स ऑफ द पोएट्स, दिस इज द वर्क एसोसिएटेड विद जॉनसन। और यहां पर आपको बायोग्राफी और क्रिटिसिज्म दो पार्ट मिल जाएगा एंड 52 पोएट्स के बारे में लिखा एंड कॉइन द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स। तो सी इज द राइट आंसर, है ना। यस, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम, प्रणाम। इट्स नॉट स्टाइल एंड कंटेंट, इट्स बायोग्राफी एंड क्रिटिसिज्म, इसके लिए नोटेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर हैज पीटर एक्रॉड नॉट रिटन अ बायोग्राफी। पीटर एक्रॉड ने बहुत लोगों की बायोग्राफी लिखी है बट इनमें से किसी की नहीं लिखी, जैसे डिकेंस है, ब्लेक है, एलियट है, या इनमें से है कौन। सो द राइट वन आंसर इसके लिए कौन सा हो जाएगा, जिसकी बायोग्राफी इन्होंने ना लिखी हो। देयर इज समवन जिसकी बायोग्राफी इन्होंने नहीं लिखी। तो समवन कोई है और कौन है ये, ये हैं आपके बेसिकली फोर्थ नंबर। द राइट वन आंसर इज डब्ल्यू बी एट्स। इनकी भी लिखा, इनकी भी और इनकी भी। एंड यस, एक बार आप गूगल कर लीजिएगा पीटर एक्रॉड, यू विल फाइंड कि बहुत सारे लोगों की इन्होंने लिखी है लेकिन इनकी नहीं लिखी। ठीक है, ग्रेट। नाउ सी, हियर इज द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। द ऑथर ऑफ द बुक observes I have attempted through the medium of biography to present some Victorian visions to the modern eye. The four main characters in the book are Cardinal Manning, Florence Nightingale, Dr. Arnold and General Gordon. तो ये कौन है जिसने ऐसा लिखा हो, ये तो जान गए होंगे ना। Good evening Ranu, Manisha, good evening, namaste. So right answer, the right answer of this one question is C option. It's Lytton Strachey, है ना? Lytton Strachey is the right one answer. समझ गए होंगे आप, बढ़िया से समझ गए। Lytton Strachey ने वर्क लिखा था इमिनेंट विक्टोरियंस, और इमिनेंट विक्टोरियंस में ही इन्होंने ये बायोग्राफी कार्डिनल मैनिंग, फ्लोरेंस नाइटिंगल, डॉक्टर अर्नोल्ड, जनरल गॉर्डन, इनके बारे में लिखा था। ठीक है, यस। नेक्स्ट वन, सैमुअल जॉनसन्स लाइफ ऑफ द इंग्लिश पोएट कंबाइंस द फॉलोइंग एक्सर्प, एक्सेप्ट एनालिटिकल क्रिटिसिज्म, लिटरेरी हिस्ट्री, पर्सनल बायोग्राफी, सोक्रेटिक डायलॉग। So, ये वाला मैं लास्ट क्वेश्चन अपने इस सेशन का कंसीडर करूंगा। ठीक है, द राइट वन आंसर इज सोक्रेटिक डायलॉग, है ना। सोक्रेटिक डायलॉग इसमें नहीं है, सोक्रेटिक डायलॉग तो आपको मिल जाएंगे वहां पर जो प्लेटो के वर्क है। एनालिटिकल मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, 52 पोएट्स के बारे में लिखा हुआ है। आज के सेशन के लिए बच्चा पार्टी मेरी तरफ से बस इतना ही रहेगा। ठीक है, बाकी का फिर से करेंगे आने वाले सेशन में, अगले कल वाले सेशन में कर लेंगे बाकी के लिए। और दोज कैंडिडेट, दोज हु वांट टू ज्वाइन क्लासेस एंड ऑल, अगर किसी को इन कोर्सेज की क्लासेस ज्वाइन करनी हो
जिसमें आपको डेली लाइव क्लास मिले, सारा कुछ आपको मिले, पीडीएफ नोट्स कंटेंट मिले पूरा का पूरा, और आप अपनी अच्छी पढ़ाई कर सको। सो इसके लिए आप इन नंबर्स पर जस्ट आप अपना नाम, जस्ट राइट योर नेम एंड द नेम ऑफ द कोर्स, है ना, और शेयर कर दीजिएगा इस पर, व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, आपको कोर्स की जानकारी आ जाएगी। और बाकी अगर आपको कॉल करके बात करना हो तो सुबह के 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे के बीच में आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं, और कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। बाकी मैसेज कर देंगे, जस्ट नाम एंड द नेम ऑफ द कोर्स। यूजीसी नेट का आपका क्विक रिवीजन कोर्स चल रहा है, एंड एज वेल एज डीएमआरएस, डीएसएसबी, यूपीटीजीटी, पीजीटी और यूपीएलटी ग्रेड का भी नया बैच ही चल रहा है। सो इफ यू विश यू कैन ज्वाइन। लिटरेचर लवर्स ऐप डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक मिल जाएगा आपको इसके डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, तो वहां से आप चेक कर सकते हो। बाकी कल मैं आपको 8 PM फिर से मिलूंगा, और फिर से कुछ टॉपिक लेकर आऊंगा आपके लिए प्रैक्टिस लेकर के, सो दैट आप प्रैक्टिस कर सको और खुद को इम्प्रूव कर सको। अगर आपका कुछ कहने का मन हो, वॉन्ट टू राइट समथिंग फॉर मी, तो देन आपके लिए एक ही सजेशन है, मैं इस क्लास को एंड करूंगा, और एंड करने के बाद यू कैन राइट डाउन योर फीडबैक, है ना। और अगर आपको जैसे नोटिफिकेशन या कोई प्रॉब्लम हो रही तो यहाँ चेक कर लीजिएगा। नरगिस लिख रही हैं कि सर हमें नोटिफिकेशन नहीं आता, तो टेलीग्राम देखिए, लिटरेचर लवर्स टेलीग्राम है ये ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब पर क्लिक करके देख लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन है या नहीं, है ना। यस, बाकी चलते हैं, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराइए, एंड जस्ट कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग लिटरेचर लवर्स। जय हिंद, जय भारत। मेरी तबीयत एकदम ठीक है, मैं फिलहाल में ठीक फील कर रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी एनर्जी आ रही है, लेकिन फिर भी आप जानते हो जब कोई ज्यादा बीमार हो जाए तो थोड़ा सा टाइम लगता है। थैंक यू सो मच प्रमिला। हाँ, रेगुलर क्लास होगी रवि, बस आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 8 PM पर आ जाऊंगा, ठीक है, बाय, टेक केयर।